अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन जो कि आपकी स्क्रीन के राइट। हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट एंड स्पैनर साइज रिलेशन, यानी कि कितने के बोल्ट में कितने का पाना लगेगा, यानी कितने का स्पैनर लगेगा, ये कैसे पता करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कितने के बोल्ट में कितने का पाना लगेगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पाने में जो नंबर लिखा रहता है 24, 27, 36, इसका मतलब क्या होता है, आखिर उस नंबर का क्या मीनिंग है, तो ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है यहां पर स्पैनर के साइज निकालने का, यानी कि पाने के साइज निकालने का, वो होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय बोल्ट डायमीटर, यानी कि जितने का आपका बोल्ट है उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका स्पैनर का साइज आएगा, यानी कि पाना का साइज आएगा। अब बोल्ट का डायमीटर क्या होता है, देखिए ये बोल्ट का डायग्राम है और ये होता है बोल्ट का डायमीटर। एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 10 mm का बोल्ट है हमारे पास, तो 10 mm का बोल्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये इसका आंसर आ रहा है 15, यानी कि 15 mm का स्पैनर जो है पाना वो 10 mm के बोल्ट में लगेगा। 10 mm जो है वो बोल्ट का डायमीटर है। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है बोल्ट का डायमीटर जो है वो कौन सा पोर्शन है, आपको हेड को नहीं मेजर करना है, शैंक का जो पोर्शन होता है उसे मेजर करना है। इसी तरीके से 12 mm के बोल्ट में अगर हम निकालें 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है, यानी कि 18 नंबर का पाना लगेगा। 16 mm के बोल्ट में 24 का पाना लगेगा, 20 mm के बोल्ट में 30 का पाना लगेगा, 24 mm के बोल्ट में 36 का पाना लगेगा, और इसी फॉर्मूले से आप किसी भी साइज के बोल्ट, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बोल्ट में कितने का पाना लगेगा, यानी स्पैनर लगेगा, ये निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड, इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये आता है कि कभी कभी कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो 12 के बोल्ट में 19 का पाना लगाते हैं, 18 का तो नहीं लगता है। तो देखिए क्या होता है, आजकल जो नट एंड बोल्ट्स हैं ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो साइज वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से 18 का ना लग के 19 का लगेगा वहां पर, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स दिखे जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बोल्ट्स में इसी साइज का जो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, उसी फॉर्मूले से आप स्पैनर का साइज, यानी कि अपने पाने का साइज निकाल सकते हैं, कितने के बोल्ट में कितने का पाना लगेगा। आप रिंग पाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे डी पाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पाना है जिसमें इस तरह का डी शेप रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर साइड का जो है उसे डी पाना कहा जाता है, जबकि नीचे जो पूरे रिंग के शेप में रहता है उस टाइप के स्पैनर को रिंग स्पैनर कहा जाता है। अब जो यहाँ पर स्पैनर पे नंबर लिखा होता है 24, 27, उसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अगर आप उसको देखें 24 और 27 के पाना को, तो ये जो इसका साइज है यहाँ पर से अगर आप मेज़र करें तो वो 24 mm आएगा और ये 27 mm आएगा। हालांकि ये हल्का सा ज़्यादा रहेगा, 24.5 आएगा, 27.5 आएगा, ऐसा इसलिए दिया जाता है फिटिंग अलाउंस, ताकि आपका जो स्पैनर है वो बोल्ट के हेड पर या फिर नट पर जाकर फिट हो सके। और देखिए बोल्ट का जो हेड है वो इस शेप का रहता है, उसका जो यहाँ पर जहाँ पे एस लिखा हुआ है इस पोर्शन पर आ जाकर आपका स्पैनर फंसता है, और रिंग स्पैनर हो तो वो पूरा